हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। सर एक साथ इतना सारा? अरे बस लाइव हो गया कि एक बार बता दूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा जीवन अच्छा लगता है मेरे को जीवन में। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल है सब लोगों के? मॉर्निंग इवनिंग जो बोलो वो ठीक, तुम्हारे को जो अच्छा लगे वो ठीक। ओके सर, करेक्ट टाइम आ गए। अरे नालायक हो तुम, अरे ऐसी की तैसी नालायक बच्चे सब, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के ऐसी बातें करते हो। अरे चालू होने में पहले पहले ऐसी मालूम हो तुम लोगों को, मेरे को एक चीज़ बताओ, कुछ नया पॉइंट है इसके अंदर? चालू होने में टाइम लगता ही है, उसमें क्या कर सकता बताओ कोई। ओके सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स था, उसके ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत करे थे, ठीक है ना। खत्म नहीं हुआ था लेकिन आज शायद खत्म हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आज शायद हमारा टारगेट है कि आज हमारा करंट अफेयर फिनिश हो ही जाएगा, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, ठीक है ना। अच्छा है सर, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो कल करेंगे खत्म, बट मोस्ट प्रोबेबली शायद आज हो जाएगा खत्म, क्योंकि बच्चा ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। ओके बच्चे लोग, सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, एक बार मेरे को बता दो प्लीज, एक बार मेरे को बता दो स्टार्ट करें क्या हम लेक्चर? आप लोग मेरे को एक बार बता दो कि हम स्टार्ट करें क्या लेक्चर? सर आप मिस्टर इंडिया हो गए फिर से? मैं मिस्टर इंडिया हो गया भाई। लो स्टार्ट करेगा लेक्चर, मुझे एक बार क्लास बता दो। सर आज खत्म हो जाएगा क्या सब्जेक्ट? यस आज खत्म हो जाएगा करंट अफेयर्स, मोस्ट प्रोबेबली टारगेट तो यही है अपना। अगर तुम लोगों ने सपोर्ट किया तो 100% क्या हो जाएगा, आज खत्म करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार बच्चे लोग लाइक करके बता दो कि सब लोग आ गए या नहीं, जैसे जैसे आते जा रहे वैसे वैसे लाइक करते चलिए। ओके ये लो रूहानी का, देखो रूहानी का कितना टैलेंटेड है लड़की। बोलते सर एक तो आप लेट है, मैंने बोला भाई मैं क्या करूँ, यूट्यूब ने चालू होने में टाइम लगा दिया, मैं क्या करूँ, चलो फिर भी मैंने माना, ठीक है। बोले सर लेकिन आप आते बार बार हमसे बातचीत भी नहीं करे आपने, है ना, और बातचीत करे बिना क्लास चालू कर दिए। मैं इतनी देर से किससे बात कर रहा हूँ बताओ? हवा में बातें कर रहा हूँ? नहीं मैं बताओ, तुम लोगों को नालायक को किससे बात कर रहा हूँ? बहुत नालायक बच्चे सही में। चलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, ठीक है ना। सारे 33 करोड़ देव देवताओं की जय। और कुछ किसी के बारे में बोलना है जय वय, ठीक है ना, बता दो तुम लोगों को सारे भगवानों को, मतलब इतने धार्मिक बच्चे हैं, बट क्या बताऊं मैं। ओके सर लेट्स स्टार्ट। रामिया राव बोलती है सर डू कवर रिसेंट अफेयर्स ऑल्सो। अरे यार बुलेटिन मैराथन में कल ही तो बताया ना कवर होंगी, यार कैसी बात। सर रिवीजन में हो जानी चाहिए थी, देखो कैसा है मार्क्स की आई नहीं है तो आधी अधूरी होंगी, मजा आएंगी नहीं, तो मैराथन में इसीलिए हम बुलेटिन कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो, उल्टा अच्छे से और डिटेल में करेंगे, क्योंकि और तब ज्यादा पढ़ने का नहीं रहेगा, तो बाकी अदर कवर अफेयर्स पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यस रामिया राव बिल्कुल करेंगे। ओके सो कल हम लोगों ने इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में डिस्कशन खत्म किए थे, वहां पे हम लोगों ने कल बोले थे कि जो G20 है, अगर हम G20 की बात करें तो G20 जो है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ 20 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये 20 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अपना एक क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमी का 85% जो है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी का 85% G20 मेंबर्स अकाउंट फॉर करते हैं, और 75% ये ग्लोबल ट्रेड का, यानी ग्लोबल ट्रेड की बात करो तो 75% किसके पास है, G20 ग्रुप के पास है। वर्ल्ड की 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन G20 कंट्रीज के पास है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर कहां पे है, G20 के पास है। G20 के लीडर्स एनुअली मीट करते हैं, लीडर्स एनुअली मीट करते हैं, लेकिन फाइनेंस और सेंट्रल बैंक गवर्नर रेगुलरली मीट करते हैं। उसके बाद हमने बिम्स्टेक देखे थे। अच्छा सर फुल फॉर्म आप मत बताओ, हम बताएंगे, ठीक है। चैट में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना, हेलो मैं बात करूंगा अब तुमसे, चैट में बिमस्टेक का फुल फॉर्म आ जाना चाहिए। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक लाइक और बिमस्टेक का फुल फॉर्म चैट में नहीं आएगा, बिमस्टेक का फुल फॉर्म, ठीक है ना। बिमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सटी हुई कंट्रीज है, किसके डॉट डॉट सटी हुई कंट्रीज है, बे ऑफ बंगाल वाली, उसका फुल फॉर्म आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं नहीं किसने बोला नंदनी LLB जरूरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ कंपल्शन नहीं, आपकी मर्जी हो तो जल्दी जल्दी मेरे को चैट में बताओ तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ूंगा आगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर इतना बड़ा
कोई लिखेगा तब ना कॉपी करेंगे हम, ये होती है ना बात। अब एक ने लिखेगा ना, आप देखना कितनी स्पीड में आएंगे, मतलब टैलेंट देखना। तो क्या बात है, बे ऑफ बंगाल का फुल फॉर्म बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, एक ने लिखा बाकी ने कॉपी करे, ठीक है ना, वो एक लड़के को वेरी गुड, बाकी नालायक है सब। तो ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल कब बना था, बे ऑफ बंगाल 1997 में बना था, जिसके अंदर एशियन की दो कंट्रीज और सार्क की चार कंट्रीज मेंबर है, टोटल सिक्स कंट्रीज इसकी मेंबर है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ ये लोग सेक्टरल और टेक्निकल कॉपरेशन रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे, ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं इंडिया की नेशनल बॉडीज के ऊपर। इंडिया की जो हमारी क्या है नेशनल बॉडीज है, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सीसीआई, इब्बी और आईसीएसआई, जिसमें से हम आईसीएसआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी देख चुके हैं। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम फाइनेंशियल अफेयर में कंप्लीट कर चुके हैं, और आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये भी हम ऑलरेडी, आईसीएसआई भी हम ऑलरेडी लीगल अफेयर्स में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। सो बेसिकली हमको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, कंपनी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो टोटल चार नेशनल बॉडीज है, उसमें हमको अभी पढ़ना है, क्योंकि दो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा नीति आयोग की, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, नीति आयोग की। गाइस, जितना मैं बताऊंगा नीति आयोग में मार्क करते चलना, ठीक है ना। जो नए बच्चे, जो पुराने बच्चे, जो लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर से, वैसे जो नए बच्चे वो लोग मेरे साथ मार्क करते चलेंगे। भाई ये नीति आयोग क्या है, भाई साहब नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन एक हमारी कंट्री में हुआ करती थी। अगर आपको ये बात पता होंगी कि एक पंचवर्षीय योजना, हिंदी में बोलते हैं, 5 ईयर्स प्लान पहले बनाए जाते थे। तो जो 5 ईयर्स प्लान पहले बनाए जाते थे, ठीक है ना, जिसको हम पंचवर्षीय योजनाएं बोलते हैं, 5 ईयर प्लान जो बनाए जाते थे पहले, वो 5 ईयर्स प्लान, ठीक है ना, वो 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन बेसिकली बनाती थी। नहीं, पहले कैसा होता था कि हमारी कंट्री में कोई भी प्लान करना है तो वो प्लानिंग करने का काम होता था प्लानिंग कमीशन का। हमारी कंट्री में कोई भी प्लानिंग करना है, प्लान करना है, इसका काम होता था प्लानिंग कमीशन का, कि हमारी कंट्री में कौन सी नई स्ट्रेटेजी लाएंगे, कौन सी नए प्लान इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे, पॉवर्टी कैसे कम करेंगे, इंडस्ट्रीज कैसे लाएंगे, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन कैसे ला सकते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा बिजनेसेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारे जो प्लानिंग थे ये प्लानिंग कमीशन बनाया करती थी, और वो 1950 में बनी थी। बट जिसको हेड करते थे हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो उसके क्या रहेंगे, हेड रहेंगे। बट वो प्लानिंग कमीशन को हटा के उसको 2014 में बंद कर दिया गया, और 2015 में क्या लेके आई गई, नीति आयोग लेके आया। मतलब वापस से मैं समझा रहा हूँ, 2014 में ये बंद कर दिया, 1950 से लेकर 2014 तक 12 5 ईयर्स प्लान बनाए थे प्लानिंग कमीशन ने, और उसके बाद रेड फोर्ट से मोदी जी ने 2014 में अनाउंसमेंट कर दी थी कि भाई हम लेके आ रहे हैं नीति आयोग। मतलब प्लानिंग कमीशन अब एक पुराना हो चुका है, ओल्ड स्कूल हो चुका है, उसको पूरी तरीके से बंद करके, खत्म करके नया लेके आ रहे हैं तुम्हारे सामने, क्या, नीति आयोग। कान खोल के सुनना ये बात, ऐसा खोलो कान और सुनो अपने अंदर बात कि भाई साहब प्लानिंग कमीशन 2014 में भली बंद हुई थी, लेकिन नीति आयोग 2014 में नहीं बनी थी, 2015 में नीति आयोग को क्या करा गया था, बनाया गया था, 2014 में नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, बंद कर दिया एकदम प्लानिंग कमीशन को 2014 में, ठीक है ना, और नीति आयोग बनाया गया 2014 में जस्ट अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई हम ना, मोदी जी आए 15 अगस्त को बढ़िया एक नंबर साफा वाफा पहन के एकदम बढ़िया तरीके से, और रेड फोर्ट पे आके उनने भाषण दिए और बोल दी ये प्लानिंग कमीशन, भाई और बहनों ये प्लानिंग कमीशन जो है ये पुरानी हो चुकी है, इसकी जगह अब हम क्या लेके आएंगे, नीति आयोग लेके आएंगे। इसीलिए नीति आयोग को बोला जाता है इंडियाज यंगेस्ट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, मतलब इंडिया का ये यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, वन ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन 2015 का ये नीति आयोग बना। यंगेस्ट मतलब इस सब जो इंस्टीट्यूशन है वो इसके पुराने, जैसे सेबी देख लोगे पुराना है, आरबीआई देख लोगे पुराना है, तो बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो है इसके कंपेरिजन में वो पुराने हैं, और सबसे यंगेस्ट, सबसे नया बच्चा हमारा कौन सा है, नीति आयोग। चैट में नीति आयोग का फुल फॉर्म आ जाना चाहिए, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। क्या बात है, बच्चे ने पहले लिख दिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है ना, वेरी गुड।
क्लियर। तो प्लानिंग कमीशन के बाद क्या बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर, सक्सेसर मतलब उसके आगे वाला बंदा कौन है, नीति आयोग है। पहले कौन था, वो प्लानिंग कमीशन था, ठीक है ना। बाद में उसकी जगह क्या लेके आ गया, नीति आयोग को लेके आया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग द रिफॉर्म्स एजेंडा, नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू सर्व बेटर नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल इंडियाज ऑफ द पीपल। भाई ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनकी नीड्स को बेटर तरीके से क्या कर सके, हम सेटिस्फाई कर सके, ठीक है ना। समझ आ रही है बात, क्लियर। ओके, अरे समझा या नहीं समझा सर। उसके अलावा नीति आयोग करता क्या है, वो बहुत जानने वाली बात है। नीति आयोग सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है टू फूस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग का जो मेन काम है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये लोग ना प्लान तो बना लेते हैं, बोले हम देश को आगे लेके जाएंगे, देश को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, प्लान प्लान तो बढ़िया बना लेते हैं लोग, एक नंबर प्लान। इनसे बढ़िया प्लान कोई बना ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक नंबर प्लान बना देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को बात ही नहीं मानती। सेंट्रल में बैठे मोदी जी, स्टेट में बैठे अपने केजरीवाल जी, दोनों आपस में मिलजुल के बात ही नहीं कर सकते, झगड़ा ही करते रहते जब देखो जब, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए नीति आयोग क्या करती है, काम करती है। मतलब नीति आयोग का मेन काम है कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में ब्रिज बन के काम करना, सेंट्रल को भी स्टेट की इंपॉर्टेंस बताना और स्टेट को भी सेंट्रल की इंपॉर्टेंस बताना। मतलब बेसिकली दोनों को मिलके, दोनों को साथ में लेके ये नीति आयोग देश को डेवलप करने के काम करती है। मतलब नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब दोनों को मिलके, दोनों के साथ में मिला के देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, नीति आयोग करती है। क्लियर सर। आपने लोगों ने कल गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा भाई। हम लोगों तो मतलब ऐसा है कि हम यही सोचते रहते कि बच्चों के लिए और हम क्या कर सकते हैं, यानी जितना हम लोगों की कैपेसिटी में है, ठीक है ना, जितना हम लोगों को लगता है कि हम लोग कर सकते हैं, उससे हम ज़्यादा करने की आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। हम लोगों को मन में ये हमेशा लगता है कि भाई अच्छा था, नहीं था, बुरा, अच्छा लगा, बच्चों को नहीं लगा, ठीक है ना। तो वैसे अच्छा लगने वाली चीज़ थी, इसमें अच्छा क्या नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग बताया करो कमेंट्स वगैरह में कि सर हमको बहुत अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा इसके लिए। खैर, तो बट उसका एडवांटेज सब लोग लेंगे, ठीक है ना, उसका एडवांटेज सब लोग लेंगे, तुम्हारे को एडवांटेज मिल रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। नीति आयोग इज अ प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर नीति आयोग को थिंक टैंक, सोचने का काम किसका है, नीति आयोग का है। मतलब मजे की बात पता है क्या, पहले प्लानिंग कमीशन जो था ना वो सिर्फ प्लान बनाता था, तुम्हारे जैसे तुम नालायक जैसे पहले स्कूल में हुआ करते थे, आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, सवेरे से लेकर रात तक पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि इतना पढ़ूंगा कि क्या बोलूं मैं आपको। और बाद में जब पढ़ने की बारी आती थी, 1 घंटा पढ़ोगे, 2 घंटा पढ़ोगे, मतलब प्लानिंग तो आप लोग कर लेते थे, बट इम्प्लीमेंटेशन में क्या थी, गड़बड़ थी। एग्जीक्यूशन में क्या थी, गड़बड़ थी। अपने प्लान्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करते थे कि हमने जो प्लान बनाया वो बराबर है या नहीं। सेम प्रॉब्लम प्लानिंग कमीशन के साथ थी, प्लानिंग कमीशन भी मॉनिटर नहीं करता था प्रॉपरली अपने प्लान्स को, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर बना देता था, इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी भी उसकी नहीं थी। उसने प्लान बना दिया, उसको बैठ गया, मेरा प्लान बना के काम हो गया भाई, अब तुम देखते बैठो। पर नीति आयोग ऐसा नहीं है, नीति आयोग प्लान बनाता भी है, इंप्लीमेंट भी करता है, उसको मॉनिटर भी करवाता है, मॉनिटर भी करता है, ताकि उसको अंदर मालूम पड़ सके कि क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है। तो 2014 में प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था, 2015 में नीति आयोग आया था। 14 में बंद हुआ था प्लानिंग कमीशन, पुराना वाला प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया था और नीति आयोग को 2015 में लाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था। इसका फुल फॉर्म ही देखो ना, इसका फुल फॉर्म से आपको समझ में आएगा, नीति आयोग की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब व्हाट इज द मेन एजेंडा, मेन एम बिहाइंड दिस नीति आयोग। ये नीति आयोग को मनाने के पीछे रीजन क्या है, हमारे को इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग न्यू इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, उसके लिए ये नीति आयोग इंस्टीट्यूशन क्या करा गया, बनाया गया। समझ में आई बात। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं भाई साहब, वो चेयरपर्सन जो भी हमारी कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर है, जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। समझ में आई बात। वाइस चेयरपर्सन इसके जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार, फुल टाइम मेंबर्स भी इसके अंदर है वीके सारस्वत और बाकी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी है जो अदर मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, फिर हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, फिर हमारे
पंचायती राज वाले मिनिस्टर जो है, फिर उसके बाद स्पेशल इन्वाइटीज में नितिन गडकरी वगैरह भी है, तो ये लोगों का नाम आपको याद नहीं करना है, आपको दो नाम याद करना है, एक तो मोदी जी जो आपको पता है जो इसके चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, और एक नाम आपको और याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, CEO, समझ में आ रही है, CEO, बच्चे इतने ना लाएंगे, बोलता है जैसे पापा से पीटने के बाद प्लान बनाता था कि घर से चले जाऊंगा, लेकिन आज तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। हाँ तुम्हारे साथ भी होता होगा ना, मेरे साथ भी हुआ था, मैं तो भागा भी हूँ एक बार बचपन में, मजाक नहीं कर रहा, एंड आई वॉज इन फिफ्थ क्लास, पापा से झगड़ा हो गया था, मम्मी पापा से भाग गया था, चाचा चाची के चले गए तो दूसरी सिटी में रहते थे वो लोग, एकदम ट्रेन वेन से फिफ्थ में होगा आई सपोज, फोर्थ या फिफ्थ में, मैक्सिमम फोर्थ फिफ्थ में, नहीं भागा हूँ मैं भी, भागा हूँ फोर्थ और फिफ्थ में, उसके बाद दीपे ऐसी बच्चे ने बोला तो मेरे को मेरी याद आ गई। खैर तो यहाँ पे नाम कौन से याद रखने हैं, नरेंद्र सिंह मोदी जी के, और वाइस चेयरपर्सन जो है डॉक्टर राजीव कुमार, और तीसरा अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत, नहीं तो बच्चे अमिताभ बच्चन लिख के आते हैं, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है, श्री अमिताभ कांत साहब, क्या बात है। अभी फिफ्थ में आयुषी पूछती किसके साथ भागे थे फिफ्थ में, ए भाई हे भाई फिफ्थ क्लास पांचवी क्लास, उस समय इतना नहीं समझता था बच्चों को पांचवी क्लास की जितना आजकल के पांचवी क्लास के बच्चों को समझता है, हम लोग तो भाई मतलब क्या बोलूं, हम तो ऐसे ही खुश थे, झगड़ा हो गया तो चले गए थे। ये लोग ये अलग चल रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक बार वापस से रिवाइज करेंगे नीति आयोग को, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मार्किंग कराई हुई है बस वही याद रखना है कि इसने प्लानिंग कमीशन को आगे, प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, नीति आयोग आया, ठीक है ना, 2015 में नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन कब बंद हुआ था रिपीट करेंगे, प्लानिंग कमीशन कब बंद हुआ था मेरे साथ बोलेंगे चैट में, 2014 में, नीति आयोग कब आया था 2015 में, इसका मेन काम क्या रहता है, टू प्रोवाइड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में ये क्या करता है, कनेक्शन बनाने की ब्रिज बन के काम करता है। थिंक टैंक कौन है इंडिया का, नीति आयोग है। यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन है इंडिया का, नीति आयोग है, ठीक है ना, इसके चेयरपर्सन मोदी नमो साहब मोदी जी, जो कि हमारी कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो इसके क्या बन जाएंगे, चेयरपर्सन बन जाएंगे, ठीक है ना, और डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत साहब है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा और दिया इसके बारे में, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या रिलीवेंस है नीति आयोग का, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये क्या करता है पता है आपको, वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग लाइक हेल्थ स्टेट प्रोग्राम इंडिया एक्सेट्रा विच गिव परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग टू वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द वर्टिकल टू फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि ये ना हर स्टेट्स को अलग 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 स्कीम्स के अंदर क्या देता है, रैंक देता है, मतलब जो भी स्कीम बनाई जाती है वो स्कीम कौन सी स्टेट ने कितने बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करी है उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट को क्या दिया जाता है, रैंक दिया जाता है। कोई भी स्कीम जो बनाई जाती है बाय नीति आयोग या बाय नीति आयोग जो भी स्कीम को इंप्लीमेंट करता है तो वो स्कीम इंप्लीमेंट करने के नीति आयोग पता है रैंकिंग देता है, अलग अलग रैंकिंग देता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा तो हर स्टेट टॉप पोजिशन पे जाने की कोशिश तो करेंगी करेंगी, मतलब पॉइंट ही है, कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है कि हम लोग पहले से ज्यादा मजबूती से और जोर से क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, अपना जो काम है हम अपना जो काम काज है वो हम एकदम मजबूती से अपना क्या करते हैं, कामकाज करते हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रांगली हम क्या करते हैं, कामकाज करते हैं। तो ये कंपटीशन क्रिएट करने का फायदा ये कि अब हर स्टेट हर स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। कॉपरेटिव फेडरलिज्म तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई स्टेट और सेंट्रल को मिलाने की कोशिश करता है, और मेन बात इट गिव्स बेटर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बॉडी विच फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द लाइन मिनिस्टर, मतलब जो भी रिलेटेड मिनिस्टर्स है, जैसे अगर मान लो रोड से रिलेटेड काम है तो रोड से रिलेटेड काम के लिए स्टेट को जो भी प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट लाइन मिनिस्टर, मतलब रोड के मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी साहब, डायरेक्ट उनसे मिला देंगे, बोले बात कर लो, बोले क्या है, अपना इशू सॉल्व करो, बोले और खत्म करो, आगे बढ़ो, बोले मतलब सिंपल सी बात, तुम लोगों का काम नहीं अटकेगा, स्टेट मिनिस्टर स्टेट वालों को कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मिला दिया जाएगा उसको, भाई मिल लो और काम काज खत्म करो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग पॉलिसीज बना के छोड़ दो, नहीं ये काम यहाँ पे नहीं होता है। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी मतलब भाई साहब अब ये क्या करती है नीति आयोग, ये मॉनिटर भी करने का काम करती है, इवेल्युएट भी करती है कि जो डेटा प्रॉपर है या नहीं है, पहले क्या होता था ये सब नहीं होता था, पहले से प्लान बना देते थे रख देते थे, इससे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसने गलती करी है उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करी जा सकती है,
थिंक टैंक है इनोवेटिव आइडियाज जो आते हैं उसका थिंक टैंक है, ठीक है ना। तो थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज मीन्स नीति आयोग इज अ विजुअलाइज्ड एज अ फ्यूनल थ्रू विच न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज कम, फनल थ्रू विच अ न्यू और इनोवेटिव आइडियाज कम, ऑल पॉसिबल सोर्सेज इंडस्ट्रियल एकेडमिक सिविल जो भी तरीके जो भी चीजें हैं स्पेशलिस्ट है उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं। मतलब इनोवेशन जो है बेसिकली इनोवेशन ये भी नीति आयोग का क्या है मेन काम है। ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं करना है। कांटा लगा सर इस बार आपने बहुत कम कांटा लगाया क्योंकि मैंने पहले ही ठीक कर दिया नोट्स, ठीक है ना, तुम्हारे मॉड्यूल से नहीं इसलिए बढ़ाया, ठीक कर दिया पहले। क्लियर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आप पढ़ चुके हो, एक बार मेरे को बताओ यहां तक क्लियर है क्या, एक बार मेरे को यहां तक बताओ। मैंने आज चैट नहीं देखा, मेरे को यहां पे ऐसा है कि मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आज पढ़ा के कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो मैं चैट पे डाउट लूंगा सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं लूंगा। तुम नालायक हो मेरे को मालूम है, भर भर के नालायक हो तुम लोग। तुम लोग पढ़ाई को छोड़ के सब करने में इंटरेस्टेड रहते हो। बेटा प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान जो बनाती थी प्लानिंग कमीशन वो बंद कर दी गई, ठीक है ना। और जो उनने 5 ईयर प्लान बना के छोड़ दिए थे लास्ट वाला, तो वो 2017 तक चला था। एक बच्चा पूछता है कि हमने इको में पढ़ा 2017 तक प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन 2017 तक नहीं थी। जो उन्होंने लास्ट प्लान बनाए थे उसकी लास्ट टाइम डेट थी 5 ईयर प्लान की 2017, तो वो 2017 तक चला इस चक्कर में, ठीक है ना। लेकिन नीति आयोग 2015 से आ चुकी थी। समझ में बात। कल क्विज करेंगे। ओके तो आरबीआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरे को नहीं लगता आरबीआई वापस से पढ़ने की जरूरत है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं सेबी पे। ये सब भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना, पॉलिसी रेट्स वगैरह ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, इको का पार्ट है, बराबर ना। तो आरबीआई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे आरबीआई पढ़ चुके हैं कि दोबारा पढ़ाऊ, मेरे को एक बार बता दो थोड़ा सा प्लीज। आरबीआई हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोबारा पढ़ना है? नहीं नहीं खत्म नहीं रहे, बहुत बाकी है अभी। तो सेबी पढ़ना है, फिर सीसीआई पढ़ना है, फिर इबी पढ़ना है, तीन चीजें बाकी है अभी। पर उसके पहले मेरे को एक बार बता दो कि आरबीआई एक बार और पढ़ना है कि पढ़ लिए थे, बराबर है, खुश हो आरबीआई के लिए कि आरबीआई एक बार और पढ़ना है? अरे मैं खत्म थोड़ी नहीं हुआ, रिवाइज करा दू, रिवाइज करा दो, बच्चे बोलते रिवाइज करा दो। आरबीआई तो सर नींद में उठा के पूछो तो भी ठीक है, चलो बच्चे ने बोला तो मेरा मन नहीं मानेगा, रिवाइज करा देता। 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, 1934 के एक्ट के तहत आया था, 1937 में आरबीआई को शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई में, कलकत्ता में पहले हुआ करता था, मुंबई में उसको क्या कर दिया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुआ था, मतलब पहले आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड थी, बाद में आरबीआई गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी बन गई थी 1949। आरबीआई जो है वो सबसे बैंक नोट वगैरह छापने का काम, करेंसी छापने का काम ये कौन करती है भाई साहब? आरबीआई करती है, ठीक है ना। बैंक नोट्स, करेंसी छापना, इंटरेस्ट रेट को चेंज करना ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइसेस है, प्राइस स्टेबिलिटी है वो क्या हो, बनी रहे। देखो कैसा होता है ना, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो लोग लोन कम लेते हैं, लोन कम लेते डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन उससे कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आरबीआई क्या करती है, उठाती है। हाँ तो बता दिया ना, फर्स्ट बता दिया ना आपको, क्लियर। क्विक रिविजन लिया ना, और कितना लू, और एक बार ले लूंगा जाके लगे तो, नहीं बस टेंशन मत लो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, सेबी, सेबी। आजा, आजा। वो गाना याद आया मेरे को, कौन सा गाना? जीमी 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 आजा आजा आजा, ऐसी कोई गाना था ना। अरे तुमने सुने हो क्या? ये लोग, ये लोग बोलते सर एक बार रिवाइज करा दो, मैंने अभी क्या कराया, मजाक करा था मैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992, मतलब स्कैम 1992 होने के बाद सेबी की इंपॉर्टेंस इन लोगों को समझ में आई, गवर्नमेंट को सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का, हमारी कंट्री के जो कैपिटल मतलब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, सेबी करता है। आरबीआई के बारे में भी साथ में बात करता हूं, जैसे आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है, बैंक्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। वैसे ही सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। मतलब सेबी का जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है,
The preamble of Securities and Exchange Board of India describes the basic function of Securities and Exchange Board of India to protect the interest of investors in securities. जो भी interest है investors का securities में, ठीक है ना, मतलब जो भी तुम पैसा invest करते हो share market में, तो तुम्हारा interest protect करे. Investors का interest protect करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, तो जो लोग बेचारे इन्वेस्ट करते हो उनके साथ दगाबाजी नहीं हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो. मतलब यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए. जैसे पहले आपको पता है ना हर्षद मेहता के टाइम पे वो बेचारों के साथ धोखेबाजी करते थे, कुछ लोग शेयर की प्राइस इसको बढ़ा बढ़ा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? आरबीआई करती है, सॉरी सेबी करती है. उसके साथ साथ हमारे शेयर मार्केट को बढ़ाने का काम, डेवलप करने का काम. मतलब आपको पता है 1992 के पहले शेयर मार्केट वॉज लाइक एक सब्जी मंडी. आपने स्कैम 1992 में मूवी में देखा भी होगा, इट इज जस्ट लाइक अ सब्जी मंडी. रिलायंस ले लो, टाटा ले लो. सेबी आने के बाद उसने धीरे धीरे शेयर मार्केट का पूरा पिक्चर ही चेंज कर दिया. इस तरीके से सेबी को डेवलप करा, सेबी ने शेयर मार्केट को डेवलप करा कि आज हम शेयर अपने मोबाइल के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं. मतलब ऑनलाइन शेयर परचेस को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, मैंडेटरी. कोई भी मैनुअल इंटरप्शन उसके अंदर अलाउड नहीं था, कोई भी मैनुअल इंटरप्शन. कोई भी बंदा मैनुअली इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता. जो भी चीजें शेयर खरीदी और बेची जाएंगी वो काय के थ्रू बेची जाता है, कंप्यूटर के थ्रू बेचा जाता है, जिसके अंदर धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत कम है. इसीलिए तो देखो ना, एक जमाने में शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे लोग, घबराते थे बहुत शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से. लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो शेयर बाजार में सब कोई, हर बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है. उसका सिंपल सा रीजन ही ये है कि भाई पहले के टाइम में जो शेयर मार्केट थे वो कुछ लोग अपने हाथ में कंट्रोल करके रखे हुए थे. लेकिन बाद में सेबी को रेगुलेटर बनाने की वजह से क्या हो गया, वो लोग कैपिटल मार्केट अब सेबी के कंट्रोल में आ गया. तो अब उनका मेन ही काम ये है कि इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज में उसको प्रोटेक्ट करें, और जो भी डेवलपमेंट है शेयर मार्केट से रिलेटेड उसको करें. अच्छा, उसके साथ साथ उनका एक और काम होता है, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी ये बात, उनका एक और काम होता है सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, मतलब जो ब्रोकर्स है, इंसिडेंटल और मैटर, मतलब क्या होता है, जो ब्रोकर्स है वो ब्रोकर्स के ऊपर भी रेगुलेट करने का काम कौन करती है, सेबी. सेबी, समझ में आ रही बात, वो उनको भी रेगुलेट करने का काम कौन करती है, सेबी करती है. आर गेटिंग माय पॉइंट? सेबी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम याद रखना, बाकी उनके अदर मेंबर का नाम याद नहीं रख सकते. तो चेयरमैन जो है सेबी के वो कौन है, अजय त्यागी साहब. तो अजय त्यागी जी जो है सेबी के क्या है, करंट चेयरमैन है. तो उनका नाम आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. तो मतलब आपको बाकी लोगों के नाम याद नहीं रखना, लेकिन अजय त्यागी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो क्या है कि याद रखेंगे. क्लियर? तो देखो सेबी में हमने कुछ सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बनाया गया टू रेगुलेट दी शेयर मार्केट, ठीक है ना. जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए ये सेबी को क्या करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया. सेबी को क्या करा गया, बनाया गया. सिंपल सी बात, क्लियर. इसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? सर हमारी कंट्री के अंदर मोनोपोली को रोकने से, सर आप मेरे को बताओ कंपटीशन अच्छा है कि मोनोपोली? चैट में मेरे को बताओ एक बार आप लोग, क्या कंपटीशन अच्छा है या मोनोपोली अच्छी है? मेरे को एक चीज बताओ चैट में आप लोग लिख के कि कंपटीशन अच्छा है या मोनोपोली अच्छी है. सर कॉमन सेंस की बात है, कॉम्पिटिशन अच्छा है. जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को फायदा होगा. मतलब अगर हमने कोई अच्छा काम करा, हमने कोई सरप्राइज गिफ्ट दिया, तो उसको देख के दूसरे लोग भी हमारे को देख के क्या करेंगे, ऐसे ही कॉपी करेंगे. समझ में आई बात? यानी हमने कुछ अगर आप लोगों के लिए अच्छा काम किया है तो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, कॉपी करना है कि कमी थोड़ी ना. तो पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कॉम्पिटिशन बढ़े. जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा उतना क्वालिटी, ठीक है ना, लोगों को मिलेंगी, उतनी क्वालिटी और प्रॉपर क्वांटिटी लोगों को क्या होंगी, मिलेंगी. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली उसका मेन काम ही है कि हमारी कंट्री के अंदर डोमिनेंट पोजिशन बनने से रोकना. कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा अपनी कंपनी का डोमिनेंट पोजिशन बना नहीं सकता. मतलब अगर वो ऐसा करता है तो उसको कॉम्पिटिशन कमीशन पहली रोक देगी. मतलब आप सोच के देखो, आज जियो और एयरटेल ये दोनों अगर एक हो जाए तो एक होने के बाद बाकी लोगों की कैसी ऐसी की तैसी कर देंगे. अब ये बात सोचो अच्छे से कि जियो और एयरटेल अगर एक हो जाए, जियो और एयरटेल क्या हो जाए, आज एक हो जाए, तो जियो और एयरटेल एक होने से पता क्या हो जाएगा, जियो और एयरटेल एक होने से ये हो जाएगा कि हमारी कंज्यूमर्स जो है उनके साथ उनके साथ अन्याय होना चालू हो जाएगा. जो प्लान हमको 200 रुपये में मिलता है वो लोग 500 रुपये में बेचेंगे, तो भी हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि उनसे बेस्ट, उनके अलावा और कोई सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं ना.
और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। जब और कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है हमारे पास, तो हमारे को तो मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया ताकि ऐसी कोई एक्विजिशन वगैरह ना हो जाए। क्लियर? ऐसी कोई चीजें ना हो जाए। क्लियर? ओके, चले आगे। ओके, क्लियर? सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया गया। क्लियर? सर न्यू चेयरपर्सन मदभाई पुरी बोछा। ओके, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। यस यस यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल चेंज हुआ है। मदाबी पुरी बक करके है लेडी, वो चेयरपर्सन बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये पेपर में आ सकता है, बिल्कुल करेक्ट बात। लड़के के लिए एक बार तालियां हो जाए भाई साहब। लड़के का नाम है अर्जुन। अर्जुन भाई साहब के लिए एक बार ताली हो जाए। उसने बताया, बोले सर चेयरमैन चेंज हुई है, मैं बताना भूल गया सर, बोले मतलब तो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन भाई साहब ने बिल्कुल लिख के दिए है उनका नाम। तो लेडीज है ये, और बहुत खुशी की बात है कि कोई लेडीज जो है वो सेबी को हैंडल करेंगी। बहुत बढ़िया बात है, मतलब आजकल वुमेन एम्पावरमेंट हमारी कंट्री में अच्छे से हो रहा है, मतलब सबको इक्वल मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। क्लियर? समझा या नहीं समझा मेरे को बताओ। क्लियर? चले आगे चले। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही है कि भाई डोमिनेंट पोजीशन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है, जिसकी वजह से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इन सबको रोकना। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है उनका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन को हानि पहुंच रही है, ठीक है ना, वो कॉम्पिटिशन को हानि जिसकी वजह से पहुंच रही है वो एग्रीमेंट्स को क्या करा जाए, रोका जाए। ऐसे मर्जर्स होने बिल्कुल भी ये नहीं देते। क्लियर? शाबाश। बच्ची बोलती है कि नित्या श्रीवास्तव बोलती है कि सेबी 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन नित्या जो एक्ट है ना सेबी का, वो एक्ट 1992 में बनाया गया, मतलब उसको उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए। आपको पता है उसके पहले जो सेबी हुआ करती थी ना, वो कोई काम की नहीं थी, मतलब इट इज गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना, उसका कोई बड़ा रोल नहीं था। उसके बाद जब ये कांड हुआ हर्षद मेहता का, तो उसके बाद सेबी को बहुत ज्यादा क्या दिए गए, पावर्स दिए गए, ये फैक्ट है। समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा बच्चे लोग, बोलो। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। डन? ओके। इसके बारे में कुछ और दिया है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये किसने बनाई है? सर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनाई गई है बाय दी, नहीं उससे पहले थी सेबी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है नित्या की, लेकिन उससे पहले जो सेबी के पास पावर्स थे वो नहीं के बराबर थे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सेबी का एक्चुअल में आना कब हुआ, 1992 में हुआ, ठीक है ना। तो पेपर में पूछा तो आपको 1992 में ही एक्ट आया था सेबी का, तो 1992 ही लिखना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 14th of October। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, CCI, ठीक है ना, 14th of October 2003 में, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने लोग होते हैं, तो उसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 उनके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो 1 चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स किसका पार्ट है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कमेटी का पार्ट है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मेरे साथ बोलेंगे, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स, रिपीट करेंगे, एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स है। क्लियर? अरे भाई पढ़ाई करते ना। अरे बिल्कुल भाई, नाटो नाटो है ना, बताएंगे नाटो के बारे में भी। मैंने वैसे रेगुलर में भी तो नाटो के बारे में बताया था तुम्हारे को, 30 डेज का एक समूह है, 30 ग्रुप्स, 30 कंट्रीज जो है उनका एक मिलिट्री ग्रुप है वो, कि भाई अगर 30 में से एक भी ग्रुप, एक भी कंट्री के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो बची भी कंट्रीज आके क्या हो जाएंगी, एक साथ खड़ी हो जाएंगी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल 30 डेज से जो, तो 30 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको नाटो बोला जाता है। अब उसमें कैसा है कि मान लो US है,
यूएस के ऊपर किसी ने हमला किया, तो ये मान लिया जाएगा वो अकेला यूएस के ऊपर हमला नहीं है, वो पूरे 30 देशों के ऊपर क्या है, हमला है। और वो 30 देश एक साथ आके, वहां की एक साथ मिलिट्री आके वो सामने वाले के अगेंस्ट में क्या करेंगी, लड़ना चालू कर देगी। जैसे रशिया ने मान लो जाके यूएस पे हमला कर दिया, तो वो यूएस पे हमला नहीं माना जाएगा, वो 30 देशों पर हमला माना जाएगा, और 30 देश जो है वो एक साथ रशिया से क्या करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, इसको कहा जाता है नाटो। इट इज द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। भाई इनका काम ही है कि एडवर्स इफेक्ट जो है कॉम्पिटिशन के ऊपर आने वाले, ठीक है ना, उसको हटाए और कॉम्पिटिशन को क्या करे, हमारी कंट्री के अंदर सस्टेन करे और फ्रीडम ऑफ ट्रेड दे। भाई हर बंदा अपने हिसाब से कामकाज कर सकता है, ठीक है ना। मेरे को एक चीज बताओ, यहां तक समझा कि कोई डाउट है इसमें, एक बार मेरे को बता दो कि यहां तक समझा या डाउट है कोई, यहां तक समझा या डाउट है। तो फिर इब्बी पे आता हूं मैं। इब्बी में तो दो तीन चीजें ही पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इब्बी में दो तीन चीजें ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर? ओके। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इब्बी 2016 में बनाई गई थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी कोड 2016। क्या हुआ था सुनना बोलते हैं। 2016 के अंदर हमारी जो कंट्री है, 2016 में हमारी कंट्री में एक इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया। कैसा हो रहा था, हमारी कंट्री में जो कंपनीज है, जो लोग हैं, पब्लिक है, वो लोग आजकल इंसॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि तुम्हारी लाइबिलिटीज तुम्हारे एसेट से ज्यादा है। मतलब तुमको लोगों को पे ज्यादा करना है लेकिन उतना ना तुम्हारे पास पैसा है ना एसेट्स है। मतलब एक बंदा है जिसको लोगों को पे करना है, मार्केट में बाजार लोगों को बैंक्स को मिला के सबको मिला के उसको पे करना है 400 करोड़ रुपीज, लेकिन उसके पास है अभी ओनली 100 करोड़ रुपीज। तो इस केस में क्या हो गया, वो बंदे को क्या बोलेंगे हम, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब वो बंदे की लाइबिलिटीज उसके एसेट से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब भी कोई बंदे की लाइबिलिटीज यानी उसको लोगों को देना ज्यादा हो जाता है और लाइबिलिटीज उसकी अगर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है किससे, उसके एसेट से, तो ऐसे बंदे को कहा जाता है इंसॉल्वेंट। और जब ये इंसॉल्वेंट जाके अपने आप को कोर्ट में डिक्लेयर करवा लेता है, ठीक है ना, ऑन पेपर कि यस ये बंदा इंसॉल्वेंट है, वो डिक्लेयर करा लेता है कोर्ट में जाके, तो उसको बैंकक्रप्ट बोला जाता है। मतलब दोनों एक ही है, बैंकक्रप्ट उसकी लीगल पोजीशन है कि भाई कोर्ट ने भी ये बात तो मान लिया कि भाई ये बंदे के पास लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है और इसके पास एसेट नहीं है, तो ये पे नहीं कर सकता, इसकी कैपेसिटी नहीं है, जितने इसके एसेट्स है वो लेके बचे हुए जो लोगों को है उनको लोग देके पे करके खत्म करो, जितने भी उसके एसेट्स बचे हुए वो एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा उसको देके आप इसकी लाइबिलिटी जितनी सेट ऑफ होती है उतनी दो, बाकी की लाइबिलिटीज ये पे नहीं कर सकता, खत्म होगी बात, बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट, ही इज बैंकक्रप्ट। समझ आई बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। क्लियर? सो इट इज अ की पिलर ऑफ इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोड रीऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी। हमारी कंट्री में इंसॉल्वेंसी जो भी होती है, मतलब जो भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है हमारी कंट्री में, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, कोई भी अगर इंसॉल्वेंट होता है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, तो ऐसे पर्सन का जो भी एसेट्स बचे हुए वो एसेट्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बचे हुए उनके पैसे दिए लोगों को दिए जाते हैं। बेसिकली इब्बी जो है वो एक खास काम करती है, उनका ये काम है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, CS बनाता भी है और CS प्रोफेशन को रेगुलेट भी करता है। मतलब आप जब CS बन जाओगे तो इसको रेगुलेट करने का काम, आपने कुछ गड़बड़ करे, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से करोगे, ये सारे काम कौन ध्यान देगा, ये सारे काम के ऊपर ध्यान देगा अपना इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, ICSI। वैसे ही सेम अगर मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये जो इब्बी है इसका भी काम दो है। एक तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनाता है। सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का मतलब क्या होता है, सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का मतलब ही वही होता है कि जब अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके बाद कोर्ट जो है ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देती है और बोलती है देख ये बंदे का अब पूरा कारोबार तो अपने हाथ में ले और इसके जितने भी एसेट्स बचे हुए उसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए तो उसको बेच दे और जो भी लाइबिलिटीज इसकी सेटअप होती है वो तू कर दे। मतलब ये पूरा काम वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का होता है कि अगर कोई बंदा या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो उसके बाद उसका कितने एसेट बचे हैं उसको बेच के उसमें जो लाइबिलिटीज उसकी है वो जितनी पे ऑफ होती है वो सब करने का काम उसका होता है। तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनाने का काम भी इब्बी करती है। सर आप लोग भी बन सकते हो लेकिन CS बनने के कुछ सालों के बाद आप इसके एग्जाम अलग से दे सकते हो।
ये डायरेक्टली नहीं दे सकते आप, सीएस बनने के कुछ सालों बाद आप इसकी एग्जाम दे सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके चेयरमैन चेंज हुए थे, रवि मित्तल साहब इसके अभी क्या है करंट में चेयरमैन है, ये अपडेटेड वाले हैं, ठीक है ना। वहां पे अशोक कुमार गुप्ता की जगह हमने चेंज करवा दिया सेबी में, ठीक है ना। सेबी में अगर आपने चेंज कर लिए होंगे तो मत अभी पूरी बक तो उसकी चेयरमैन थी, वैसे ही इब्बी के जो चेयरमैन है वो कौन है, रवि मित्तल साहब, ये चेंज वाले चेयरपर्सन है। इब्बी के चेयरपर्सन ये चेंज वाले, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी अमेंडेड वाले लिखे मॉड्यूल में, कई लोगों को नाम अलग दिखेगा बट वो चेंज हो चुके हैं। अभी करंटली इब्बी के चेयरपर्सन कौन है, रवि मित्तल साहब। एक बार क्विक रिविजन बनती है, इब्बी जो बनाया गया 2016 में बनाया गया, कौन से एक्ट के तहत बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकप्सी कोड 2016 कोड के तहत बनाया गया। इसके अंदर काम क्या है, ये जो भी बंदा कंपनी पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसके एसेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करके उसकी लायबिलिटीज पे ऑफ करने का काम उसकी मदद से करता है जितनी हो पाए। इसके अंदर इब्बी जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करते हैं, इब्बी जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को बनाती भी है, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरीज को बनाती है वैसे ही वो लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की एग्जाम भी लेते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस है उनकी कि किस तरीके से वो काम करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कोई भी बंदे को अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना रहे हो तो वो किस तरीके से काम करेगा वो भी वो दिखती है। ठीक है, एक बार सीसीआई में और रिपीट कर दे रहा हूं मैं, सेबी सीसीआई और इब्बी तीनों एक एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सेबी का काम है बेसिकली क्या करना, सेबी का काम है हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। उसके चेयरपर्सन का नाम है मधुबी पुरी बक, 1992 में वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रैल 92 में स्टैब्लिश हुई थी। जो लोग 88 बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, 1992 में हुई थी भाई, मैं नहीं बोल रहा बुक बोल रही है, क्योंकि वो 88 में नहीं के बराबर वाले काम की थी वो, उसके बाद 92 में उसको पूरे पावर दिए गए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भाई वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, भाई साहब कंपटीशन के अगेंस्ट जो भी एग्रीमेंट्स हो, ठीक है ना। और जो भी बंदा अपनी डोमिनेंट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करे, मतलब मोनोपोली, जिसके वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, अगर कोई भी बंदा ऐसा काम करता है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में बनाया गया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, समझ में आई बात, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में बनाया था, जिनका मेन काम है कि कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन करना, मतलब सेबी इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करती है, ये कंज्यूमर्स का करती है, और इब्बी जो है वो इंसॉल्वेंसी का काम करती है। क्लियर, यहां तक क्लियर? आईसीएसआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बच्चा बार 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 पूछ रहा है पॉलिसी रेट और रिवर्स, एक बच्चा बार बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछ रहा है। मेरे को लगा आप लोगों को इकोनॉमिक्स में ये होगा, इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया इसके ऊपर, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है, एकदम आसान भाषा में समझ लो भाई, जब भी आरबीआई बैंक को लोन देती है, ठीक है ना, तो ये लोन पे जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करती है उसके रेट को कहा जाता है रेपो रेट। मतलब जब आरबीआई बैंक्स को लोन देती है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट आरबीआई बैंक से चार्ज करती है तो वो कौन से रेट पे करती है, रेपो रेट पे करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जब भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देती है तो ऐसे केस में आरबीआई कौन से इंटरेस्ट पे लोन देती है, क्या बोलते हैं वो इंटरेस्ट को, रेपो रेट। तो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट जो बैंकों के लिए होता है, अगर आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट है सॉरी कितना है यहाँ पे दिया हुआ आपको रेपो रेट 4%, ठीक है ना, तो आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, दैट मींस बैंकों को लोन कितने परसेंट में मिलता है, 4% में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और रिवर्स का मतलब बिल्कुल उल्टा, रिवर्स रेपो रेट मतलब जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहता है, या आप उसको ऐसा बोल सकते हैं जब बैंक्स जो है वो आरबीआई के पास, आरबीआई को लोन देती है, ठीक है ना, किसको, आरबीआई को लोन देने का मतलब हो गया आरबीआई के पास वो क्या करती है, डिपॉजिट रखती है। आरबीआई को लोन देने का मतलब ही क्या हो गया, हम बोल रहे बैंक्स आरबीआई को लोन दे रही है, ये बोलना अच्छा नहीं लगता। तो बेसिकली बैंक जो अपना पैसा डिपॉजिट के तौर पे आरबीआई के पास रखती है उसके इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, उसके इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, उसके इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है भाई साहब, रिवर्स रेपो रेट। समझ में आई कि नहीं आई, उसके रेपो रेट को क्या कहा जाता है भाई, रिवर्स रेपो रेट।
क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? समझा या नहीं समझा? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है, नहीं है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है। क्लियर? चलिए, सो सब आईसीएसआई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। G7 एक ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज है जो 1975 में बनाया गया था, जिसके अंदर जो पार्ट है वो कौन कौन से, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, ये कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया था। इसमें कैनेडा भी ज्वाइन हुआ था, ठीक है ना। रशिया को लात मार के इसमें से बाहर निकाल दिया गया था बेचारी को, वो यूक्रेन में क्रीमिया करके जो कंट्री है उसके साथ गलत किया था इसने, ठीक है ना। सो बेसिकली टोटल 7 कंट्रीज है, जैसे G20 है वैसे ये G7 है, जो टोटल 7 कंट्रीज है, टोटल बड़ी 7 कंट्रीज है, ठीक है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद G10 आने वाला है, G7 को हटा के G10 करने वाला है, इसमें इंडिया भी पार्ट होगा। इसमें पुरानी 1975 में ग्रुप बनाया गया था, ये तब फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप बनाया गया था, अब ये ग्रुप का इतना काम नहीं है। तो पेपर में ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि G7 कब बना था, G7 बना था इन 1975। सर ये सर ICSI हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, CSET कब आया था, फरवरी 2020 में आया था, CS फाउंडेशन को हटा के, आपको पता है। सर यहाँ पे दिए हुए सर इन कुछ लीडर्स के नाम, सर आप मेरे को बताएंगे कि हमको ये पढ़ना है? अरे भाई रेपो रेट शॉर्ट में बता दो, बोलता है बैंक जो रेट पर, RBI जो रेट पर बैंकों को लोन देती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। मतलब अगर रेपो रेट है 4%, दैट मींस बैंक्स जो है वो, सॉरी RBI जो है वो बैंक्स को 4% पे क्या देंगी, लोन देंगी। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब बैंक जो है वो अपना पैसा डिपॉजिट के तौर पे या लोन के तौर पे RBI को देती है और RBI उनको इंटरेस्ट देता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। हाँ बेटा, नहीं पूछ, वो ऐसा नहीं है कि करंट का पूछते हो पुराना नहीं पूछते, मिक्स पूछते हैं पेपर के अंदर, किसी के पेपर में पुराना, किसी में नया ज्यादा आता है, किसी में नया ज्यादा पुराना आता है, तो हमको पूरा पढ़ना जरूरी है। तो मैराथन के अंदर, 5 मिनट, तो मैराथन के अंदर हम लोग ये सारी चीज कवर करेंगे, टेंशन मत लो, करंट पुराना सब कुछ। सर अंबानी साहब के बारे में कुछ दिया हुआ है, सर अंबानी साहब को आप जानते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है सर, MBA करा सर इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, US से, ठीक है ना। सर अजीम प्रेम जी, सर विप्रो कंपनी आपने सुने होंगे, आपने इंफोसिस सुने होंगे ना, वैसी एक बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो, ये अजीम प्रेम जी चलाते हैं। भाई साहब ये अजीम प्रेम जी बहुत वेल्दीस्ट पर्सन है और उससे ज्यादा भाई बहुत बड़े ये क्या है, दानवीर है एक्चुअली, में इतना दान करते इसका कोई लिमिट नहीं। कुमार मंगलम बिरला साहब आदित्य ग्रुप के चेयरमैन, CA भी है, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सेंट्रल बोर्ड के अंदर डायरेक्टर भी है। सर टीम कुक, इनको भाई ये नहीं बताऊंगा मैं, ये तो नॉर्मल पढ़ाऊंगा यार, तुमको मालूम है सब कौन है, तुम यार ये मत बोला कि सर ये भी पढ़ा दो, मैं पढ़ा ही रहा हूँ वैसे तो। टीम कुक एप्पल के CEO है, एप्पल जो है उसके CEO है टीम कुक, समझ में आ रही बात। तो जो टीम कुक है वो एप्पल के CEO है। सर जब स्टीव जॉब जो पहले उसके CEO होते थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद इनको CEO बनाया गया। बिल गेट्स, अब इनका काम नहीं रहा बेचारे बिल्लू भाई का। अब कौन है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन, एक बार मेरे को चैट में बता दो, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, चेयरपर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स तो नहीं है, सत्या नडेला साहब पहले चेयरमैन हुआ करते थे, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड इन्होंने किया था, ये पहले चेयरमैन हुआ करते थे, अब ये चेयरमैन नहीं है। एलन मार्क्स भाई साहब बहुत, मतलब वर्ल्ड के अंदर सेकेंड नंबर पे आते हैं, पेपाल, SpaceX, सीखने वाला बंदा है, इतने इतने घंटे काम करता है बंदा, एकदम गरीबी से इसने वर्ल्ड लेवल पे नाम कमाया है अपना, पेपाल, SpaceX सब इनकी कंपनी है, टेस्ला। वॉरेन बुफेट विजार्ड ऑफ ओमाहा, क्योंकि ओमाहा में वो पैदा हुए थे। सर एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ये। समझ में आई बात, एक बहुत सक्सेसफुल क्या है इन्वेस्टर, यस माइक्रोसॉफ्ट के चेयर, माइक्रोसॉफ्ट के हेड अभी कोई है, कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के हेड है अभी सत्या नडेला साहब। क्या बात है, क्या बात है। सर नरेंद्र मोदी साहब आपको पता ही है कौन है, अब इन सब के बारे में बताने स्कूल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये तो उनको पता ही है ना, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टाइम बने थे, कब? सर ये फास्ट नहीं पढ़ा रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, अरे नालायक, ये जरूरत है कि इसकी तो तुम कर लोगे ना, नहीं तो मैं करा ही रहा हूँ, वैसे तो पूरी करा के दिया मैंने, लेकिन सर ये बता दे रहा हूँ। चलो 2019 में सेकेंड टाइम बने थे,
ठीक है ना, 2014 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, सेकंड टाइम 2019 में बने थे, लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर का तबका तमका इनके सर पे, मतलब 2001 से लेके 2014 तक ये सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, लॉन्गेस्ट चेयरपर्सन, सॉरी लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर। राजनाथ सिंह जी जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर बने सॉरी जिन्हें एलसीए तेजस, ठीक है ना, एलसीए तेजस जिन्हें उड़ाया वो फर्स्ट बने, पहले डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें एक्चुअली में जो एलसीए तेजस विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उसका तेजस नाम है, ठीक है ना, इन्होंने क्या करा था, उड़ाया था। इसके आगे हमारी कंट्री के अंदर 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती, वर्ल्ड के अंदर 7111 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 23 लैंग्वेजेस अकाउंट फॉर करती है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, भाई 7111 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है और उसमें से सिर्फ 23 पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड का आधा हिस्सा बोलता है, मतलब आधे से ज्यादा लोग वर्ल्ड के सिर्फ 23 क्या बोलते हैं, लैंग्वेजेस बोलते हैं, बाकी सब के सब आपको अगर मैं बताऊं सॉरी सिर्फ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो 23 लैंग्वेजेस बोलती है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं बोलता है, मतलब वैसे तो हमारे वर्ल्ड में 7111 लैंग्वेजेस है, क्लियर। उसके अलावा हमारी कंट्री के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मेरे को चैट में एक बार बता दो, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा तुमसे, मैं ये नहीं बताऊंगा ये पैराग्राफ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था, हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से हिंदी लैंग्वेज को चूज कर सकती है, ठीक है ना, आप लोग बताओ कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी स्टेट कोई भी लैंग्वेज को जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको अपनी स्टेट की लैंग्वेज चुन सकती है, अगर वो दूसरे स्टेट के साथ बात कर रही है, यूनियन के साथ बात कर रही है, तो वो हिंदी को दोनों मिलकर अगर एग्री करते तो हिंदी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, टू और स्टेट एग्री होना चाहिए, क्लियर, क्या बात है, हिंदी 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 इंग्लिश, ओके सर, नेशनल फ्लैग इसको बोलते हैं, नेशनल करेंसी ये है, स्टेट एम्बलम, नेशनल वर्ड सर ये पढ़ाऊंगा क्या बताओ, तीन अवार्ड से भारत रत्न और पद्म अवार्ड, सर भारत रत्न जो है वो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का, पद्म अवार्ड जो है उसके अंदर सेकंड नंबर, मतलब आपको लिख के दे देता हूं मैं फिर से, ये टॉप फर्स्ट अवार्ड है हमारी कंट्री के अंदर, सबसे बड़ा अवार्ड है, सेकंड अवार्ड है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री के अंदर जो डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, और फोर्थ अवार्ड है इस हमारी कंट्री के अंदर वो है पद्मश्री, फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड जो है हमारी कंट्री के अंदर वो कौन से है, पद्मश्री, मैं एक बार रिपीट करते रहूं, भारत रत्न फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री के अंदर, पद्म अवार्ड्स के अंदर टॉप तो पद्म विभूषण है, लेकिन वर्ल्ड जैसे देखो पद्म अवार्ड्स करके पद्म अवार्ड्स है उसके अंदर तीन अवार्ड्स है, एक पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए पद्म भूषण और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए पद्मश्री दिया जाता है, तो मतलब अगर किसी भी बंदे को नॉर्मल अवार्ड देना तो सबसे पहले ये वाला देंगे, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा ये, और सबसे अच्छा ये, सो बेसिकली पद्म अवार्ड्स के अंदर टॉप पे पद्म विभूषण है, लेकिन वैसे पूरा इंडिया के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड अगर आप मतलब आप इंडिया में रहते हो और आपको कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए आपको भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये अवार्ड्स है, क्लियर। सर यहाँ पे हमारा पूरा करंट अफेयर्स क्या होता है, खत्म होता है, लेकिन अब मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सर ये जो आपके यहाँ पे नज़ारे दिख रहे हैं ना सर, ये आपको मैंने सिर्फ अभी याद रखने के लिए दिए है, इसको आप कम से कम ये लिस्ट को 5 बार पढ़ेंगे, ये बेसिकली 2020 जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर कौन कौन हमारी कंट्री के अंदर मेडल लेके आए थे, जैसे आपको याद होगा नीरज चोपड़ा साहब ये लेके आए थे, ठीक है ना, गोल्ड मेडल, ऐसे 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे मेडल लेके आया था, गोल्ड एक ने लेके आया था नीरज चोपड़ा साहब ने जेवलिन थ्रो में, ठीक है ना, फेंकने वाले में, और बाकी लोगों ने क्या लेके आए थे, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। इसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो पैरालंपिक्स है, मतलब जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, हैंडीकैप लोगों का भी ओलंपिक होता है जिसको पैरालंपिक बोला जाता है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो हैंडीकैप है उनका भी ओलंपिक रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैरालंपिक। सो बेसिकली ये मैंने देखे यहाँ पे रखा है इसीलिए ताकि तुम 5 बार पढ़ो, मतलब आज तक जो मैंने अभी पढ़ाया, ठीक है ना, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया करंट अफेयर्स में, अब मैराथन्स में मैं एकदम हट के पूरा कराऊंगा, पूरी मैराथन के अंदर मैं आपको मास्टर क्लास भी कवर करूंगा, मतलब आपको मजे की बात बता रहा हूं क्या मैं, अब ई बुलेटिन्स मजे की बात बताऊं आपको मैं, सुन लो 2 मिनट बस, क्लास खत्म हो गई है, ई बुलेटिन्स ठीक है ना, प्लस अदर अफेयर्स, ये सारी चीजें प्लस मॉड्यूल वाला वापस से थोड़ा बहुत, ये सारी चीजें मैं मैराथन में कराऊंगा इन डिटेल,
ठीक है ना, और मेरी गारंटी है कि ये सारे नाम तुमको याद हो जाएंगे। लेकिन मेरा अभी ये देखे रखने का पर्पज पता है क्या था कि यार कम से कम तुमने ये एक दो चार पांच बार पढ़ लो, मेरे लिए इतना कर दो, ये जो दो लिस्ट है इसको कम से कम पांच बार पढ़ना बस। तुमको ओलंपिक वाले भी नाम याद हो गए ना, और पैरालंपिक में मैं बताऊंगा वो वाले नाम भी याद हो गए तो बेस्ट है, बस तुम इसको पांच बार पढ़ लेना। सर आप इसको पढ़ा नहीं रहे, अबे नाम है ये सिर्फ, ठीक है ना, तो इसको याद करवा के पढ़ाने की जवाबदारी मेरी मैराथन में मैं कराऊंगा, और मैराथन में मैं पूरा हटके कराने वाला हूँ पूरी ई बुलेटिन जितने भी है, सारे अदर करंट अफेयर्स, और मेरी गारंटी कि उसके अंदर तुम अच्छे मार्क्स से पास होंगे, मेरी ये 100% गारंटी, अच्छे अच्छे तरीके से तुम उसके अंदर तुम्हारे को याद हो जाएगा, और तुम पेपर में आएंगे तो तुम पास भी हो जाओगे। लेकिन जितना मैंने बोला है उतना अगर तुमने कर लिए तो, विद कंडीशन है बस, ठीक है ना। सो यार अगर अच्छी लगी हो करंट अफेयर्स की यहाँ तक की क्लास, ठीक है ना, तो थैंक यू भाई, मतलब सॉरी, अच्छी लगी हो तो बताना भाई, ठीक है ना, बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी यार, कुछ गलत अगर हमने बोल दिया मजाक मजाक में, हमारे भाई समझ के, छोटे भाई बहन समझ के बोला है, ठीक है ना। ये एक टीचर के लिए क्या होता है, उसके लिए बच्चों का जो फीडबैक होता है, उसके लिए जो बच्चों के वर्ड्स होते हैं उससे उसको पता चलता है कि यार वो बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि गलती तो नहीं कर रहा है। सो इसीलिए यार आज लास्ट क्लास थी करंट अफेयर की, कुछ भी अगर तुम्हारे को यहाँ पे प्रॉब्लम लगी होंगी कि तुम नए हो पुराने हो तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है ना, या अच्छा लगा होगा तो भी बताना, ताकि अगली बार जब मैं मैराथन्स लूँ या आगे और आपकी क्लासेस लूँ उसके अंदर मैं वो चीज़ को और इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि भाई भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, हम भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, बताना, कुछ अगर गड़बड़ लगी हो, अच्छा किसी को भी कुछ लग रहा होगा कि कुछ छूट गया है, तो कुछ भी नहीं छूटा, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। जो ये मैंने आखिरी में ओलंपिक के नाम नहीं लिए, आपको सिर्फ पाँच बार पढ़ने में मैराथन में कवर करूँगा, यहाँ नहीं कवर करने वाला, सिर्फ पढ़ने के लिए दिए। कल क्विज रहेगा फाइनेंशियल अफेयर्स और लीगल अफेयर्स पे, ठीक है ना, फाइनेंशियल और लीगल पे रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो मैसेज तो आई जाएगा तुमको, एक बार मैसेज भी देख लेना, वैसे मैं बता दिया हिंट, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में डू कमेंट, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। अच्छा कल मिलते हैं, सॉरी कल अपना क्विज रहेगा, ठीक है ना, अनाउंस पहले वो आपको मैसेज आएगा तभी आप समझना, मैसेज आ जाएगा उसके लिए आपको, अभी नहीं बोल रहा उसको मैं, मैसेज आ जाएगा आपको उसके लिए, ठीक है ना। तो अपनी कल करंट अफेयर्स की क्लास दे रहेंगी, परसों से हम बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे सेम टाइम पे, मिलते हैं तब, बाय बाय, कुछ भी दिक्कत हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, बाय।